हाई फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल एंड माई चैनल नेम इज स्टडी कनेक्शन तो आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में सीरीज टेन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ओके okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी तो हमारे ऑप्शंस हैं कॉस्मोपॉलिटन, एपीडी, ऑटोक्रेसी या हाइपोक्राइट तो हमारा आंसर है कॉस्मोपॉलिटन, जिसका सिनोनिम्स होता है वर्ल्ड वाइड या यूनिवर्सल मतलब समस्त संसार का जो सारे संसार को ही अपना घर मानता हो उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं ए पी री इसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मधुमक्खियों के पालने के स्थान को कहते हैं ए पीरी। नेक्स्ट है ऑटोग्रेसी ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है तानाशाह या एक तंत्र जहां पर जो गवर्नमेंट है वो सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा चलती है उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी या तानाशाही नेक्स्ट है हिपोक्रिट हिपोक्रिट मतलब होता है पाखंडी या बगुला भगत जिसे कहते हैं ओके okay, अगला है वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट जो भाग्य पर विश्वास करते हैं कि भाग्य होगा तभी उनका किस्मत बदलेगा अन्यथा कुछ नहीं होगा ये सब किस्मत की बात है तो उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट फेटलिस्ट या पार्सिमोनियस तो हमारा आंसर है फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्टिमिस्ट मतलब वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी ये है निराशावादी वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग्स दैट इज पेसिमिस्ट नेक्स्ट है पार्सिमोनियस एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मतलब जो बहुत अधिक खर्च नहीं करते खर्च करना नहीं चाहते उसे कहते हैं पार्सिमोनियस या मितव्ययी ओके नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट इजली प्लेज जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट फेमनिस्ट नेक्स्ट फास्टिडियस नेक्स्ट गलीबल या फ्रेटरी तो हमारा आंसर है फास्टिडियस फास्टिडियस का अर्थ होता है नक चढ़ा या तुनक मिजाज। इसका एग्जाम्पल है जैसे जमाई राजा समटाइम्स फास्टिडियस हो जाते हैं नक चढ़े हो जाते हैं उन्हें कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता उसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता ओके okay, हमारा पहला ऑप्शन देख लेते हैं फेमिनिस्ट वन हु थिंक्स वेलफेयर ऑफ वूमेन जो स्त्रियों के कल्याण की बातें सोचता है उसे कहते हैं फेमिनिस्ट नेक्स्ट है गलीबल मतलब होता है सीधा साधा या भोला भाला तो उसे कहते हैं गलीबल नेक्स्ट है फ्रेटरीसाइट फ्रेटरिज्म इसका अर्थ होता है भाईचारा साइड का मतलब होता है टू किल यानी हत्या करना तो मर्डर ऑफ ब्रदर मतलब भाई की हत्या क्या कहलाती है फ्रेटरीसाइट ओके okay, नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ इन डिफरेंट टू पेंस एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ एक ऐसा इंसान जिसे ना ही दुख का एहसास होता है ना ही सुख का एहसास होता है तो उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट स्टोइक पैरासॉल रेजिसाइड सलीलोक्वे तो हमारा आंसर है स्टोइक यानी भाव विहीन जिसे कहते हैं तो ये है स्टोइक इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन होना तो हमारे ऑप्शंस में है फर्स्ट पैरासॉल पैरासॉल का मतलब होता है छतरी जिसे गर्मियों में प्रयोग किया जाता है ख़ासकर इसे लेडीज़ प्रयोग करती हैं तो वेमेंस अम्ब्रेला इस कॉल्ड पैरासॉल नेक्स्ट है रेजिसाइड मतलब राज हत्या क्या कहलाती है रेजिसाइड साइड मतलब होता है टू किल और यह है रेजी नेक्स्ट है सलीलोक्वे सलीलोक्वे क्वे मतलब होता है अपने आप ही बातें करते रहना अपने आप ही बड़बड़ाना उसे कहते हैं सलीलो को ओके okay, तो अगला है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड आवाज जिसे सुना ना जा सके उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शन हैं इनडेलिबल इनऑडिबल इनफालिबल एंड इलेजिबल तो हमारा आंसर है इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके उसे कहते हैं इनऑडिबल फर्स्ट है इनडेलिबल दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड जिसे मिटाया ना जा सके उसे कहते हैं अमिट तो वो है इनडेलिबल नेक्स्ट है इनफेलिबल वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक जो मिस्टेक नहीं करता है उसे कहते हैं अचूक यानि इनफैलीबल नेक्स्ट है इलेजिबल दैट विच कैन नॉट बी रीड जिसे पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपठनीय है, दैट इज इलेजिबल ओके okay, नेक्स्ट है वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ जिसने अपनी धार्मिक आस्था त्याग दी हो उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शंस हैं एग्नोस्टिक एपोस्टेट थीस्ट या सैक्रिलेज तो हमारा आंसर है एपोस्टेट एपोस्टेट मतलब होता है धर्म त्यागी यहाँ पर अबंडेंस मतलब होगा त्यागना ओके okay, तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं फर्स्ट है एग्नोस्टिक वन हु डज़ नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो भगवान एग्जिस्ट करते हैं ऐसा विश्वास ही नहीं रखते तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक नेक्स्ट है थीस्ट थीस्ट मतलब होता है आस्तिक वन हु बिलीव द गॉड वह जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे कहते हैं थीस्ट और जो नहीं रखता उसे कहते हैं ए थीस्ट यहाँ पर ए आ जाएगा मतलब नास्तिक नेक्स्ट है सैक्रिलेज सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण करना मतलब जो धार्मिक चीज़ें हैं उन्हें तोड़फोड़ करना वो होता है अपवित्रीकरण सैक्रिलेज ओके तो अगला है वन एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ जो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हो उसे बहुत पसंद करता हो और उसका फैन हो तो उसे क्या कहते हैं तो हमारे हैं एक्सोरियस एक्सोरीसाइड यूटोपिया या ओबी क्विटस तो हमारा आंसर है एक्सोरियस जिसे हम स्त्री भक्त कहते हैं नेक्स्ट है एक्सोरिसाइड साइट मतलब होता है किल करना पत्नी की हत्या क्या कहलाएगी एक्सोरिसाइड नेक्स्ट है यूटोपिया राम राज्य को कहते हैं हम यूटोपिया नेक्स्ट है उबी क्विटस वन हु प्रेजेंस एवरीवेयर जो सभी जगह विद्यमान होते हैं उसे कहते हैं सर्वव्यापी यानी उबी क्विटस ओके okay, आगे चलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शंस हैं साइनोश्योर कैकोग्राफिस्ट कैलीग्राफिस्ट या कॉन्वेलिसेंट तो हमारा आंसर है साइनोश्योर मतलब आकर्षण बिंदु समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन एंड एडमिरेशन दैट इज़ कॉल्ड साइनोश्योर यह है कैकोग्राफिस्ट जिनकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है उन्हें कहते हैं कैकोग्राफिस्ट नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है जिसे कहते हैं सुलेखन तो वो है कैलीग्राफिस्ट। के नेक्स्ट है कॉन्वेलिसेंट वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस तो उसे कहते हैं कॉन्वेलिसेंट यानी स्वास्थ्य लाभ संबंधी ओके okay, तो अगला है वन हु ड्रॉस मैप जो मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शंस हैं कार्टोग्राफर कोरियोग्राफर या क्यूरेटर या कैनिबल तो हमारा आंसर है कार्टोग्राफर मतलब नक्शा कार जिसे कहते हैं नेक्स्ट है कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता हो उसे कहते हैं कोरियोग्राफर नेक्स्ट है क्यूरेटर क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष मतलब जैसे कोई कलेक्शन हो जैसे लाइब्रेरी हो या म्यूजियम हो उसके निरीक्षण की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उसे कहते हैं क्यूरेटर या संग्रहाध्यक्ष नेक्स्ट है कैनिबल कैनिबल मतलब होता है वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश जो मनुष्य के मांस को खाता हो उसे कहते हैं कैनिबल या नरभक्षी जिसे कहते हैं ओके okay, तो अगला है फिट टू ईट खाने योग्य चीज़ों को क्या कहते हैं तो हमारा ऑप्शंस है एडिबल पोर्टेबल सॉर्ट या टीटोटला तो हमारा आंसर है एडिबल दैट इज फिट टू ईट खाने योग्य चीज़ों को कहते हैं एडिबल उसी तरह है पीने योग्य चीज़ों को क्या कहते हैं फिट टू ड्रिंक तो उसे क्या कहेंगे पोर्टेबल नेक्स्ट है सॉट सॉट मतलब होता है पियक्कड़ मतलब जो जिसने एल्कोहलिक ड्रिंक्स लिया हो उसे कहते हैं सॉट नेक्स्ट है टीटोटला जो अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन ना करते हो उसे कहते हैं टीटोटला ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे जल्दी से लाइक कर लीजिए और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग